ऐसा क्यों होता है कि शेयर मार्केट में मोर देन 90% ऑफ पीपल आर फेल्ड, केवल 10% या उससे कम लोग ही एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाते हैं। तो क्या आप भी एक सफल निवेशक बनना चाहते हैं? तो क्या आप भी इस 10% वाली कैटेगरी में आना चाहते हैं? यदि आपका आंसर जो है यदि वो यस है, तो आपको दुनिया के सबसे सफल निवेशक वारेन बफेट की फिलोसॉफी को जरूर फॉलो करना चाहिए। तो क्या है वारेन बफेट की फिलोसॉफी? तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे दुनिया के सबसे सफल निवेशक वारेन बफेट के द्वारा दिए गए इन्वेस्टिंग टिप्स और रूल्स के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वारेन बफेट के इन्वेस्टिंग टिप्स और रूल्स कौन कौन से हैं। वारेन बफेट का फर्स्ट रूल्स है इन्वेस्टिंग योरसेल्फ। वारेन बफेट हमेशा से ही कहते हैं कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज यू कैन मेक इन योरसेल्फ। तो इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो हम किसी एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो बेंजामिन ग्राम के अनुसार इन्वेस्टिंग में मेनली तीन चीज़ें होती है। इसमें हमें सबसे पहले तो थोड़ा एनालिसिस करनी होती है, उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखनी होती है, और लास्ट में हमें एडुकेट रिटर्न एक्सपेक्ट करनी होती है। यदि इसके बावजूद भी उस कंपनी में कोई इंसिडेंट या स्कैम हो जाता है, तो उसकी वजह से उस कंपनी का शेयर प्राइस जो है बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है और जिससे हमें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और वही बात की जाए यदि हम खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें न तो थोड़ा एनालिसिस करनी पड़ती है, न ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखनी पड़ती है, और न ही एडुकेट रिटर्न एक्सपेक्ट करनी होती है। यहाँ पर हमें एब्सोल्यूट रिटर्न मिलती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, इसीलिए वे जो है मोर देन 90% वाली कैटेगरी में आते हैं। यदि आप भी शेयर मार्केट में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो खुद के ऊपर जरूर इन्वेस्ट करें। वारेन बफेट का सेकेंड रूल से नो द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। वारेन बफेट हमेशा से ही कहते हैं प्राइस इज व्हाट यू पे एंड द वैल्यू इज व्हाट यू गेट। मान लो आज हम किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, तो उस शेयर की प्राइस क्या है और फ्यूचर में हमें क्या वैल्यू मिलेगी, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमें जरूर पता होना चाहिए। और हमें हमेशा से ही एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी वैल्यू जो उसके प्राइस से ज़्यादा हो, बल्कि ऐसी कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी प्राइस ज़्यादा हो उसकी वैल्यू से। वारेन बफेट की थर्ड इन्वेस्टिंग टिप से इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। वारेन बफेट हमेशा से ही कहते हैं कि नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैंट अंडरस्टैंड। हमें हमेशा एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके बिजनेस मॉडल के बारे में हमें पता हो, जिस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में हमें पता हो, बल्कि एक ऐसी कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं। वारेन बफेट की फोर्थ इन्वेस्टिंग टिप्स है व्हेन यू बाय अ स्टॉक प्लान टू होल्ड इट फॉर एवर। जब भी हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो उन्हें हमें हमेशा के लिए होल्डिंग पर रखना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी कंपनी के शेयर नहीं खरीदना चाहिए। वारेन बफेट की फिफ्थ इन्वेस्टिंग टिप से नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन बिजनेस क्वालिटी। हमें कभी भी एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसके बिजनेस की क्वालिटी नहीं हो और साथ साथ तो उस कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी नहीं हो। हमें हमेशा एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके बिजनेस की और साथ साथ तो जिसके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व कमेंट जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।